फ्रेंड कि आपको भी मेरी तरह इतना ही यम्मी राजमा की सब्जी बनानी है। तो चलिए देर न करते हुए बहुत कम मसालों से ये सब्जी तैयार की जाती है और खाने में बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है। तो चलिए देर न करते हुए चलो मैं आपको सिखाती हूँ कि ऐसा यम्मी राजमा और स्पाइसी राजमा की सब्जी कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज मैं आपको राजमा की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने रेड वाला राजमा नहीं लिया, मैंने ये वाला राजमा लिया है और मैंने इसको रात में फुला के और सुबह नमक के साथ इसको बॉईल कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए 7 प्याज लिए हैं और इसको इस तरह से कट कर दिया है। यहाँ लहसुन अदरक मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पर 2 तेज पत्ता है, शाही जीरा है, लौंग है, हरी वाली इलायची है और ये नॉर्मल जीरा है और यहाँ पर बड़ी वाली इलायची है और यहाँ पर दालचीनी है और ये गर्म मसाले का ही सारा पार्ट है। बस इतने इंग्रेडिएंट्स हमको इसको बनाएंगे। तो बने रहो मेरे चैनल पे। देखिए मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं हींग डालूंगी, जो गर्म तेल में हींग डालने से हींग का फ्लेवर नहीं आता है और उसको आसानी से खा सकते हो। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने खड़े मसाले लिए थे उसको डालूंगी। आपको बहुत नहीं जलाना है खड़े मसालों को। इसके बाद आप इसमें प्याज डाल दीजिए और प्याज को आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है। बने रही हमारे चैनल में अभी बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। आप चाहो तो इसको खा सकते हो, बहुत हेल्दी होता है। इसमें 2 तरह के राजमा आते हैं, दोनों राजमा का टेस्ट बहुत अलग होता है। आप दोनों में से कोई भी राजमा ले सकते हो। प्याज को अच्छी तरह से भूलेंगे, गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से भूलेंगे। मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे प्याज हमारा अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि प्याज में नमक डालने से प्याज अच्छी तरह से गल और जल्दी पक जाता है और कम तेल में भी आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। बनेंगे नहीं चाहिए तो ये देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया। अच्छी तरह से हम चलाएंगे और हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। बाकी अभी हम किसी मसालों का यूज नहीं करेंगे। प्याज को पकने दीजिए। देखिए अब ये प्याज फ्राई हो रहा है, इसको भी हम और थोड़ा सा फ्राई करेंगे और आप इसको ढक के पकाएंगे। इसे जल्दी और आपका गैस को, ये देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मैगी मसाला लिया है, कश्मीरी मिर्च लिया है और यहाँ पर मैंने ये मेथी, ये आपका कसूरी मेथी लिया है और थोड़ा सा मैंने हल्का सा लाल मिर्च लिया है और इन सारे मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद इसमें मैं हल्दी डालूंगी, स्वादानुसार हल्दी जितना भी आप खाते हो उसके हिसाब से। और यहाँ पर मैं टमाटर डालूंगी। अभी मैं लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें नहीं डालूंगी और इनको अच्छी तरह से धीमी आँच पे भूनूंगी, क्योंकि मैंने अभी गैस को अपनी मीडियम कर दिया है। मीडियम आँच पे इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे सारे मसालों को। अच्छी तरह से मसालों को हम पकने देंगे ढक के एकदम मीडियम फ्लेम पर, जिससे ये थोड़े से पक जाए। बने रहिए हमारे चैनल पे। ये देखिए हम इस तरह से धीरे धीरे इसकी सहायता से, पलटे की सहायता से हम मसालों को इस तरह से करेंगे जिससे सारे मसाले मिल जाएं। इससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ देखिए मैंने लहसुन मिर्चा अदरक का जो पेस्ट बनाया था उसको इसमें डाल दूंगी। ये देखिए एक बार आप इस तरह से राजमा सब्जी बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनेगी। मसालों के साथ हम मिर्चा अदरक लहसुन के पेस्ट को भी, बहुत ज़्यादा मसालों का आपको यूज़ नहीं करना है, उल्टा ही मसालों का यूज़ कीजिए, क्योंकि सब्जी बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि तो आपको रोज़ खाना है, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए खाना बनाइए और खाइए। हेल्दी खाना, बिल्कुल घर वाला टेस्ट। अब इसको मैं ढक दूँगी मीडियम फ्लेम पर। मैंने बिल्कुल गैस को अपना मीडियम कर दिया है, क्योंकि हमेशा मसाले आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए। इससे आपके मसालों में गजब का टेस्ट आएगा और धीरे धीरे मसाले तेल छोड़ने लगेंगे, तो आप समझ जाएगा कि आपका मसाला पक चुका है।
अब देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें मैं राजमा डाल दूंगी, जो राजमा मैंने बॉइल किया था, और इसमें पहले से भी थोड़ा सा नमक पड़ा है, इसलिए मैं मसालों में बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी। और फिर राजमा के साथ इसको हम मिलाएंगे मसालों में राजमा को। आप देख सकते हो हम ढक के राजमा के साथ इसको पकाएंगे, जिससे कि राजमा में भी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तो हमारे चैनल पे ये देखिए हमारा जो राजमा है मसालों के साथ अच्छे से भून रहा है, देख सकते हो। इसलिए अगर इस तरह से आप राजमा बनाएंगे तो आपके राजमे का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि राजमा भी जो होता है ना वो हल्का सा भून मतलब कि फ्राई हो जाता है मसालों के साथ। इसको हम 10 मिनट और पकाएंगे, इसके बाद इसको हम कुकर में डाल के 2 सीटी लगवाएंगे। ये देखिए ये हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और इसको हम कुकर में डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको कुकर में डाल दिया है, और जो कढ़ाई था उसमें मैंने पानी डाला है, उस पानी को मैं गर्म करूँगी, जिससे इसको जो इसमें जो मसाले होंगे वो उस पानी में आ जाएगा। और हमेशा सब्ज़ी में आप गर्म पानी डालिए, उससे एक अलग फ्लेवर आता है। अब मैं इस पानी को इसमें डाल दूँगी, आप देख सकते हो और इसको अच्छी तरह से चला दूँगी। इसे 2 सीटी आने तक मैं ना बहुत मीडियम ना बहुत ही हाई नॉर्मल फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। मैं 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे, और मैं गैस का फ्लेम मैं 2 पे कर दे रही हूँ, ना बहुत मीडियम ना बहुत हाई, और 2 सीटी आने तक आप वेट करो। ये देखिए हमारा राजमा बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हो कितना स्पाइसी दिख रहा है ना। अब हम इसमें अमूल बटर डालेंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इससे इसमें बहुत ही यमी टेस्ट आता है। और ये देखिए राजमा, आप देख सकते हो, ये देखिए, आप एक बार ज़रूर इस मेथड से राजमा बनाइए, बहुत यमी टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।